हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीशियन स्टाइलो कुदरत। और मैं हूँ कुदरत। कैसे हो आप सब? आज मैंने जो लुक क्रिएट किया, आज मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि आज मुझे एक ही पैलेट में से ये फुल फेस जो मेकअप है वो करना है। तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे क्या मेकअप करना है, आज कैसा मेकअप करना है। तो मैंने बस पैलेट उठाया और मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये लुक मैंने क्रिएट की है। आपको ये लुक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये चैलेंज करने का सोचा है। तो यहाँ पर मैं कारा ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ और इसके साथ ही मैं अपना फुल फेस मेकअप भी करूँगी आज। तो इस पैलेट में से मैं डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रोज़ को पहले मैं फिल कर लूँगी। आपको पता ही है फ्रेंड्स कि आईब्रोज फिल करना कितना ज़रूरी होता है जब हम मेकअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने दोनों आईब्रोज को अभी फिल कर लिया है। अब इसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ, इसको मैं आज एज अ बेस यूज़ करूँगी, एज अ फाउंडेशन भी इसी को ही मैं यूज़ करूँगी। इसको पहले मैं अपनी आईलिड्स पर लगाऊँगी बेस देने के लिए, ताकि जो ऑयल वगैरह है एक्सेस मेरे आईज़ पर वो निकल जाए। उसके बाद मैं ये शेड ले रही हूँ, इसके साथ ही मैं अपनी ट्रांजिशन शेड भी क्रिएट करूँगी। तो मैं धीरे धीरे कलर को पिक करती जाऊंगी और कलर को जो है मैं बिल्डअप करती जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितना मुझे इंटेंसिटी इसकी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसको पिक कर रही हूँ और इसको मैं साथ साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ। ज़्यादा मेरा जो फोकस है वो आउटर वी पे ही है। अब इसी पैलेट में से मैं ये शिमरी शेड ले रही हूँ, शैम्पेन सी शेड है जो, इसको मैं फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं एक क्लीन ब्रश की हेल्प के साथ इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी, ताकि हार्श लाइंस जो हैं वो ना दिखें। अब जो मैं आउटर वी है वहाँ पर भी मैं इस शेड को है, इस कलर को मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। नाउ यू कैन सी, अब मैं फिर से ब्रश की हेल्प से वही शेड थोड़ा सा लूंगी और सारे शेड को, ट्रांजिशन शेड को और आउटर वी को मैं ब्लेंड करूँगी थोड़ा सा, और इसको मैं इंटेंसीफाई करूँगी और अच्छी तरह ब्लेंड भी करूँगी, ताकि सब कुछ जो है आई मेकअप जो है वो सीमलेस लगे। अब फ्रेंड्स, फिर से मैं वही सेम शिमरी शेड ले रही हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी जो है हाइलाइटर वाली शेड और नहीं है इस पैलेट में। तो मैं सेम शेड ही ले रही हूँ, सेम कलर ही पिक कर रही हूँ। इसके साथ अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी। अब मैंने दोनों साइड की ब्रो बोन्स को है मैंने हाईलाइट कर लिया है। अब फिर से मैं वही मैट शेड है जो मैं पिक करूंगी, जिसे मैंने बेस के लिए यूज़ किया था आईज़ पे, उसी के साथ ही मैं अपने पूरे फेस पर भी इसको लगाऊंगी, ताकि जो ऑयल्स वगैरह है एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और थोड़ा सा बेस भी मुझे मिल जाए। लेकिन इसने कुछ भी ज़्यादा कवरेज मुझे नहीं दी थी। आपको पता है ये तो है तो आई शेडो ही, क्योंकि ये एक चैलेंज था, मुझे चैलेंज करना था। आप देख सकते हैं कि इसने कुछ भी ज़्यादा कवर नहीं किया है, डिस्कलरेशन भी थोड़ी मेरी दिख रही है। और अब फिर से मैं सेम पैलेट में से ये ब्लैक शेड पिक कर रही हूँ, इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। आप देख सकते हो थोड़े थोड़े मेरे डार्क सर्कल्स भी हल्के हल्के से हैं, वो भी दिख रहे हैं, वो भी कवर नहीं हुए हैं। तो इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी ब्लैक शेड को। तो इसको ही मैं अपनी वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, बी केयरफुल, अगर आप इस शेडो को अपनी कोई भी आई शेडो हो, पाउडर वगैरह हो, उसको आप अपनी वाटर लाइन पर लगाएँ तो थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं फ्रेंड्स डार्क कलर जो है, जो मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई की थी, उसी के साथ मैं इस ब्लैक शेडो को भी मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। अब आईलाइनर को भी मैं फ्रेंड्स इसी ब्लैक आई शेडो के साथ ही क्रिएट करूंगी। आप देख रहे हो कि मैं कैसे लगा रही हूँ लाइनर। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ब्लैक शेड अप्लाई की थी एज अ लाइनर, तो उसको जो है मैं आउटर वी पे ब्लेंड कर दूंगी, थोड़ा सा स्मोकी सा लुक आएगा। अब यहाँ पर मैं फिर से वही बेस वाली शेड ले रही हूँ, इसके साथ जो भी फॉल आउट हुआ होगा मैं उसको डस्ट आउट कर दूंगी। उसके बाद फ्रेंड, मैं फिर से वही शिमरी शेड ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपनी इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूंगी। अब फ्रेंड, इसी पैलेट में से मैं ये ब्रॉन्जी सी शेड ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज अप कर लूंगी जस्ट एज यूजल। अब मैं फ्रेंड्स वही बेस वाली शेड एंड ये डार्क पिंक जो है, इन दोनों शेड्स को मिक्स करूंगी और ब्लश अप्लाई करने के लिए। ये थोड़ा ब्लश आप देख सकते हैं कि कलर थोड़ा सा डार्क सा लग रहा है, तो इसको मैंने थोड़ा लाइट करने के लिए फिर से वही शेड ली थी पाउडर ब्रश के ऊपर, और इसको मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया था। तो अभी फिर से मैं वही शेड ले रही हूँ।
बेस वाली, इसके साथ में अपने जो मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई किया था, थोड़ा सा मैं शार्प करूंगी, तो अपने मैं नोज़ को भी इसके साथ ही जो है कॉन्टोर कर लूंगी, इसी ब्रॉन्जर के साथ ही एज अ कॉन्टोरिंग मैं इसको अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से मैं वही शिमरी शेड ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने फेस को जो है हाईलाइट कर लूंगी जस्ट एज यूजुअल। अब मैं यहाँ पर डॉक्टर अशील की सेटिंग स्प्रे के साथ एक स्पूली को मैं जो है वेट करूंगी, उसके बाद ब्लैक शेड लेकर इसको मैं एज अ मस्कारा अप्लाई करूंगी। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स इस मेकअप का मेरे स्किन के पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये शेड ले रही हूँ। मैंने अपने लिप्स पे लिप ग्लॉस अप्लाई किया हुआ था, इस शेड को मैं अपने लिप्स पे लगा लूँगी, ये मैट शेड है। अब मैंने फ्रेंड सेम पैलेट में से शिमरी शेड ली थी, उसको मैं इसी शेड के ऊपर लगा दिया था। अब मैं डॉक्टर अश्किल की सेटिंग स्प्रे के साथ अपने फेस को मैं सेट कर लूँगी। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये लुक आपको कैसी लगी, वन पैलेट मेकअप लुक। मुझे नहीं पता था कि मैं इसके साथ कौन सी लुक क्रिएट करने वाली हूँ, सिर्फ मैंने पैलेट पकड़ा और मेकअप स्टार्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एंड किया, ये ऐसा मेकअप मैंने अचीव किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलें, मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।